Hey guys, back to my channel Sejal Singh, Simple Basic English. Our today's topic is Sonnet. Sonnet is a very important topic and term which will be asked in PGT exam of 5 marks. So we will see the sonnet. What is sonnet? It is short poem of metrical pattern and dignified rhyming scheme. ये बहुत ही छोटी सी कविता होती है और इसकी rhyming scheme जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. सोनेट वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ साउंड. सोनेट वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा पे से लिया हुआ है. ग्रीक भाषा में उसे कहते हैं सोनेटो, जिसका मतलब होता है एक साउंड. इट इज़ अ 14 लाइन्स शॉर्ट पोएम. ये 14 लाइन्स की, 14 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता होती है. Originally, it was used only for the expression of poet's feeling of love or friendship, but gradually its scope was expanded and today it is employed for expression of all possible subjects between heaven and earth. अगर originally देखा जाए, मतलब जिस वजह से सोनेट का निर्माण हुआ था, तो वो था पोएट की फीलिंग बताने के लिए, उसका लव यानी कि उसका प्रेम बताने के लिए, या फिर फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के बारे में बात करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, उसी तरह से अब इसकी थीम जो है वो एक्सपांड होती गई, इसका स्कोप जो है वो एक्सपांड होता गया, बढ़ता ही चला गया. और इसीलिए आजकल इसमें जितने पॉसिबल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इस धरती से लेके उस स्वर्ग तक, वो सारे टॉपिक सोनेट के लिए कवर किए जाते हैं. यानी कि किसी भी विषय पे आप सोनेट लिख सकते हो. इट हैज़ इयाम्बिक पेंटामीटर. पेट्रार्क राइट सोनेट टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलवड लॉरा. इसका जो पेंटामीटर है वो इयाम्बिक माना जाता है सोनेट का. पेट्रार्क जो है उन्होंने सोनेट लिखा था अपनी बिलवड यानी कि अपनी प्रेमिका लॉरा के प्रति, अपना प्यार दर्शाने के लिए. पेट्रार्क डिवाइड सोनेट्स इन टू पार्ट्स. पेट्रार्क सोनेट्स को दो भागों में विभाजित करते हैं. फर्स्ट इज ऑक्टिव, दैट इज ऑफ 8 लाइन्स पोएम. ऑक्टिव यानी कि 8 पंक्तियों के, 8 लाइनों की जो पोएम होती है, 8 लाइन की पोएम. और सेस्टेट 6 लाइन्स पोएम. सेस्टेट जो कि 6 लाइन की पोएम होती है. Now we can see about rhyme scheme. Petrarch's sonnet की rhyme scheme होती है A B B A, A B B A, C D E, C D E. Petrarch's sonnet is also known as Italian sonnet. Petrarch's sonnet Italian sonnet के नाम पे भी जाना जाता है. Now we'll talk about theme of sonnet. Sonnet की theme यानी कि उसके विषय वस्तु क्या क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं. टू शो ब्यूटी, सुंदरता दिखाने के लिए. लव, प्यार दिखाने के लिए. एंड नेचर ऑफ बिलवड, या फिर अपनी प्रेमिका के, प्रेमिका का जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसे बताने के लिए. फर्स्ट पेट्रोटिज्म, सेकेंड पॉलिटिक्स, थर्ड रिलीजन. ज़्यादातर और अब आज के ज़माने में पेट्रोटिज्म पे, पॉलिटिक्स पे और रीजन्स पे, रिलीजन पे, इन सभी चीज़ों पे भी सोनेट लिखे जाने लगे हैं. नाउ काइंड्स ऑफ सोनेट. पेट्रार्क सोनेट एंड सेकंड इज इंग्लिश सोनेट विच इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट. इंग्लिश सोनेट जो कि शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाते हैं, उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी. शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स यानी 154 सोनेट्स लिखे हैं. उसके अलावा जो सोनेट के लिए जाने जाते हैं वो हैं जॉन डन, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स, डायलन थॉमस. ये सभी सोनेट्स के लिए बहुत फेमस हैं. नाउ वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं शॉर्ट में देख लेते हैं. 14 इट इज़ 14 लाइन पोएम्स. सोनेट में 14 लाइन होती हैं यानी 14 पंक्तियों की होती है सोनेट.
हाईली पर्सनल, सोनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है। लव सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स प्रेम प्रेम के गीत इसके अंदर समाविष्ट होते हैं, और इट इज़ म्यूजिकल, संगीतमय होती है सोनेट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, एंड इट इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोनेट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सोनेट्स, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।